नादरी एशिया टाइम्स की इवनिंग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका से चिंताजनक खबर आ रही है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है। मांग नहीं होने की वजह से कीमतें $0.1 प्रति बैरल नीचे पहुंच गई हैं। बता दें कि दुनिया के 185 से अधिक देश इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना वायरस संकट की वजह से दुनिया भर में घटी तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी नीचे पहुंची हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल का भाव सोमवार को गिरकर $2 प्रति बैरल की न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले दिन में बाजार खुलने पर भाव $10 प्रति बैरल पर आ गया था, जो 1986 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। व्यापारियों ने कहा है कि कीमत में गिरावट चिंताजनक है, क्योंकि मई में डिलीवरी के अनुबंधों का निस्तारण सोमवार शाम तक कर दिया जाना था, लेकिन कोई निवेशक तेल की वास्तविक डिलीवरी लेना नहीं चाह रहा है। कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 185 देशों में फैल चुका है। 20 अप्रैल 2020 शाम 6 बजे तक की खबरों के मुताबिक दुनिया भर में कुल 24,17,936 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है और 6,35,000 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,656 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 559 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अप्रैल 2020 शाम 5 बजे तक के तलक के मुताबिक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 14,255 है और 2,842 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे इवनिंग बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।